हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म। जी हाँ गाइज, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप गूगल फॉर्म के हेल्प से कोई भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस या शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस या फिर आप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर आप क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्या क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। और ये सेम प्रोसेस आप डेस्कटॉप लैपटॉप में भी आप कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मोबाइल में, क्योंकि मोस्टली टीचर्स के पास मोबाइल ही लोग यूज़ करते हैं, और मोबाइल में आप आसानी से कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप बना सकते हैं, काफ़ी आसान भाषा में, काफ़ी सुंदर लैंग्वेज में हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई ब्राउज़र आप ओपन कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप क्रोम ही ओपन करिएगा। देखिए, आपके सामने मैं दिखा दूँ, यहाँ पर देखिए क्रोम ब्राउज़र है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद आपको इसके URL में टाइप करना है सिंपली कि forms.google.com। देखिए, आपके सामने ऊपर आ चुका है, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आसानी के लिए। देखिए, यहाँ पे forms.google.com आपको टाइप करके गो पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने गूगल फॉर्म देखिए यहाँ पे सिंपली ओपन होके आ चुका है। इसके आगे बढ़ने के लिए आपको इसमें इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लेना है। कहाँ से करेंगे डेस्कटॉप साइट, देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ, ऊपर 3 डॉट है, यहाँ पे देखिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। चलिए क्लिक कर लेते हैं। और नीचे देख आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे डेस्कटॉप साइट लिखा हुआ है, इस पर आपको चेक कर देना है। देखिए, आपका जो ये इंटरफेस है डेस्कटॉप मोड डेस्कटॉप साइट में आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ दिया है प्लस नाम का सिंबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको प्लस पे क्लिक करना है। ब्लैंक फॉर्म, ब्लैंक सीट, उसके बगल में कई सारा टेम्पलेट दिया गया है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट सब कुछ सेट होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैंक पे। चलिए ब्लैंक पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए, मैंने ब्लैंक पे क्लिक कर लिया। इसके बाद आपको हेडर में कोई इमेज आप सेट कर सकते हैं, या फिर अपने स्कूल का बैनर आप सेट कर सकते हैं, लोगों के साथ कुछ भी आप सेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे कोई भी एक सिंपल डेमो के लिए कोई भी ऊपर हेडर में इमेज ऐड करके मैं आपको दिखा दूँ। चलिए देखिए, उसके लिए आपको करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ, जूम करके मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ पे ये वाला ऑप्शन बैकग्राउंड, इसको क्लिक करते हैं। देखिए, क्लिक करने के बाद देखिए थीम ऑप्शंस दिया ना, यहाँ पे हेडर है, थीम कलर है, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। अपने हिसाब से आप कोई भी सेटिंग आप कर सकते हैं जिससे आपका फॉर्म काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर बन सके, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए अभी हम यहाँ पे हेडर में एक इमेज सेट करते हैं, चूज इमेज पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करते आपके सामने बहुत सारा हेडर इमेज आ जाएगा, जो आपको सुंदर लग रहा है वो आपको सेलेक्ट करके अप्लाई कर लेना है। देखिए, मैंने इसमें कोई भी एक अप्लाई कर लेते हैं। तो इमेज को आपको सेलेक्ट करना है, और नीचे आपका इंसर्ट, देखिए यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देना है, तो इजीली वो इमेज हेडर में जाके सेट हो जाएगा। और यहाँ से इसको आप कट कर दीजिए, देखिए ऊपर यहाँ पे देखिए कट का ऑप्शन बना है, आप यहाँ से कट कर लीजिए। देखिए, आपके सामने फॉर्म के ऊपर एक इमेज यहाँ पे ऐड हो चुका है, इसे थोड़ा सुंदर लगता है और कुछ नहीं। अब आइए आते हैं नीचे, जो लिखा है अनटाइटल्ड फॉर्म, जो फर्स्ट वाला अनटाइटल्ड फॉर्म है, इसमें आपको अपने स्कूल का नाम लिख लेना है। देखिए, सिंपली हम यहाँ पे अपने स्कूल का नाम टाइप कर लेते हैं, डालिम सनबीम स्कूल चौबेपुर, जो भी आपके स्कूल का नाम है आपको यहाँ पे सिंपली टाइप कर लेना है बिना कोई तकलीफ़ का। डालिम सनबीम स्कूल चौबेपुर वाराणसी, आप पूरा नाम डालिए, कुछ भी नाम डालिए, मैं आपको समझाने के लिए बस इतना ही टाइप कर रहा हूँ। नीचे दिया है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है फॉर्म डिस्क्रिप्शन। आप यहाँ पे एग्ज़ाम, यदि आपका यूनिट का है तो यूनिट लिख दीजिए, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली लिख दीजिए। मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन। आप यहाँ पे क्लास भी डाल सकते हैं, क्लास टेंथ, सब्जेक्ट मैथ्स, जो भी आप अपने हिसाब से डालना है आप यहाँ पे इंटर टाइप कर सकते हैं। चलिए, अब ये दो काम करने के बाद
कुछ सेटिंग इसमें करना होता है, मैं आपको सेटिंग बता दूं क्या क्या सेटिंग आप यहाँ पे करना है आपको, जो काफ़ी मस्ट है, इम्पोर्टेंट है गाइस। देखिए सेटिंग आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, देखिए ऊपर सेटिंग का सिंबल है, मैं आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे सेटिंग का सिंबल है, आपको सेटिंग पे क्लिक करना है। चलिए सेटिंग पे हम क्लिक कर लेते हैं और आपके सामने तीन मेनू आ जाएगा, जनरल, प्रेजेंटेशन और क्विजेज। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्विजेज से। देखिए क्विजेज पे क्लिक करने के बाद आपको ये करना इनेबल, क्या इनेबल करना है, मेक दिस अ क्विज, आपको इसको इनेबल कर लेना है। देन उसके नीचे आइए रिलीज ग्रेड, आपको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे को सेलेक्ट कर लेना है। फिर आना है नीचे रेस्पोंडेड कैन सी, बच्चा सब कुछ देख सकता है, अपना मिस्ड क्वेश्चंस, कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है वो भी देख सकता है, करेक्ट आंसर बस ये बच्चा नहीं देख सकता है। उसके बाद पॉइंट वैल्यूज़, हर एक क्वेश्चंस का आप कितना मार्क्स देंगे बच्चा वो भी यहाँ पे देख सकता है। आपको करेक्ट आंसर को अनचेक करके आगे बढ़ जाना है। अब आते हैं प्रेजेंटेशन पे, आइए प्रेजेंटेशन पे आने के बाद आपको सो प्रोग्रेस बार पे को सेलेक्ट कर लेना है, चेक कर लेना है, सफल क्वेश्चंस आर्डर को कर लेना है। यदि आपका क्वेश्चंस का आर्डर मिसमैच हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, तो एक बार आपको अनचेक करके देख लेना है या फिर चेक करके देख लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आपका क्वेश्चन सेट हो जाए प्रीव्यू करने के बाद, मैं अभी कर रहा हूँ प्रीव्यू पे जाने के बाद, आप इसको सेट कर सकते हैं। सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसको आप यहाँ से अनचेक कर लीजिए। देखिए नीचे आपका आ गया कन्फर्मेशन मैसेज कि बच्चा पेपर सबमिट करने के बाद उसको कोई ना कोई एक नोटिफिकेशन आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए कि आपका पेपर, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दीजिए जो वहाँ उसका मैसेज शो करेगा। तो योर आंसर सबमिटेड सक्सेसफुली, ये आप मैसेज दे दीजिए। अब आते हैं जनरल में, आइए जनरल में आ जाएं। कलेक्ट ईमेल एड्रेस कोई मस्ट नहीं है, यदि आप बच्चे से ईमेल एड्रेस कलेक्ट करवाना चाहते हैं तो चेक बॉक्स पे चेक छोड़ दीजिए, अदरवाइज़ यहाँ से आप अनचेक कर सकते हैं। रिक्वायर साइन इन, बिल्कुल एक ही बार, लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, केवल बच्चा एक ही बार सबमिट कर सकता है, दोबारा उसको चांस नहीं मिलेगा। रिस्पोंडेंट कैन एडिट आफ्टर सबमिट, सबमिट करने के बाद एडिट का ऑप्शन फिर से उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। सी समरी चार्ट्स एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेस, यहाँ भी अनचेक, इट मींस दोनों पे आपको अनचेक करना है और लास्ट में आपको सेव पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लेते हैं, जो सेटिंग हम लोगों ने किया था वो फाइनली सेव हो चुका है। अब सेव होने के बाद आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे जो लिखा है अनटाइटल, मैं दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ पे अनटाइटल क्वेश्चंस, अब यहाँ से आपका क्वेश्चन टाइप करना स्टार्ट। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आपको हम एक या दो क्वेश्चन टाइप करके दिखाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चंस, जैसे एक क्वेश्चन तैयार करना है, कंप्लीट करना है, वैसे ही आपको 2, 3, 4, 100 जितना चाहे उतना क्वेश्चन आप टाइप करके नेक्स्ट आगे आप बढ़ते जाएंगे। और हर एक क्वेश्चन को कैसे ऐड करना है मैं आपको बता रहा हूँ अभी, पहले मैं पहला क्वेश्चन मैं टाइप कर दूँ। तो सबसे पहले आपको बच्चे से पूछना है कि व्हाट इज़ योर नेम टाइप कर दीजिए, स्टूडेंट्स नेम टाइप कर दीजिए, जो आपको सुटेबल लगता है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, या सिंपली आप टाइप कर दीजिए बस यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिंपली टाइप कर दीजिए स्टूडेंट्स नेम। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखने वाली बात है, जो आपका क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स नेम, अब ये एमसीक्यू है कि शॉर्ट आंसर है कि लॉन्ग आंसर है, यदि इसका जवाब, इसका आंसर एक लाइन का होगा तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे शॉर्ट आंसर आपको सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे शॉर्ट। यदि आपका क्वेश्चन का आंसर एक लाइन से ज़्यादा का है तो आप पैराग्राफ करेंगे सेलेक्ट, यदि आपके क्वेश्चन का आंसर एमसीक्यू में है, क्यूज टाइप में है, तो आपको मल्टीपल चॉइस पे क्लिक करना है। ऐसे ही आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए होते हैं, चेक बॉक्सेस है, ड्रॉप डाउन है, फाइल अपलोडिंग है, मेनली आपको यही तीन यूज़ करना होता है। तो छोटा आंसर है शॉर्ट, बड़ा आंसर देना है, लेना है बच्चों से पैराग्राफ, एमसीक्यू चार ऑप्शन देना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा इजिली, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट पे क्लिक कर देता हूँ।
और नीचे देखिए शॉर्ट आंसर आ गया, नीचे आपका रिक्वायर्ड का ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे रिक्वायर्ड। यदि आप रिक्वायर्ड को इनेबल कर लेते हैं तो बच्चा बिना अपना नाम इंटर किए आगे वो नहीं बढ़ सकता है। इसको मस्ट एकदम रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, जब तक इसको फिल नहीं करेगा तब तक बच्चा आगे नहीं बढ़ सकता है। देखिए ये हो गया रिक्वायर्ड। नेक्स्ट आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे लिखना है, देखिए यहाँ पे प्लस नाम का सिंबल है, मैं दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे प्लस, आपको यहाँ पे प्लस पे क्लिक कर लेना है। आप जैसे ही प्लस पे क्लिक करेंगे देखिए आपके सामने एक और इंटरफेस, एक और मेनू आ गया है क्वेश्चंस के लिए। देखिए यहाँ से फिर हम क्वेश्चन टाइप करते हैं, पहला हो गया स्टूडेंट्स नेम, दूसरा हो गया फादर्स नेम, बच्चे का फादर्स, सॉरी फादर्स नेम, इसका भी देखिए शॉर्ट आंसर है, इसका भी रिक्वायर्ड कर दीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्लस पे क्लिक करिए, फिर बच्चे का रोल नंबर पूछ लीजिए, रोल नंबर भी क्या आएगा, शॉर्ट आंसर हो गया, ये भी आपका रिक्वायर्ड हो गया। रिक्वायर्ड होने के बाद देखिए नंबर इज़ नंबर, यहाँ पे सब कुछ दिया है, शॉर्ट आंसर बच्चा दे सकता है। देखिए आपने तीन चीज़ कॉमन पूछ लिया, स्टूडेंट्स नेम, फादर्स नेम, रोल नंबर। अब क्वेश्चंस टाइप करते हैं, देखिए यहाँ पे तो प्लस पे हम क्लिक करते हैं, प्लस पे क्लिक करने के बाद मेरा पहला क्वेश्चंस एलसीडी इज़ अ टाइप ऑफ, एलसीडी का टाइप है, ऑप्शन देखिए नीचे, आप इस पे क्लिक करिए। ऑप्शन वन इनपुट, ऐड ऑप्शन पे क्लिक करना है, आउटपुट ऐड ऑप्शन से फिर क्लिक करना है, आपको चार ऑप्शन दे देना है इजिली, आउटपुट, स्टोरेज, ऐड ऑप्शन पे नन ऑफ दीज। देखिए नीचे दिया है आंसर की, मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, देखिए यहाँ पे आंसर की दिया है, तो अब इन चारों में से जो भी ऑप्शन सही है यहाँ पे आंसर की गूगल फॉर्म को बता दीजिए, तभी तो वो ऑटोमेटिक सब कुछ एडजस्ट करेगा ना, सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिक आंसर आपके सामने दे देगा, उसको आंसर आप पहले से बताए रहेंगे तभी। तो चारों में से ये आंसर आप बताएंगे सिर्फ गूगल फॉर्म को, ये बच्चे को शो नहीं करेगा, ये सिर्फ आपके लिए है, गूगल फॉर्म के लिए है कि सबमिट करने के बाद ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करके वो आंसर दे देगा, कौन सा बच्चा कितने क्वेश्चंस में से कितना सही किया है, वो भी क्या ग्राफ दिखाएगा, सब कुछ डिटेल दिखाएगा, कौन सा आंसर सही किया है, कौन सा आंसर गलत किया है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, सब कुछ रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। कैसे आएगा मैं अभी आपको लास्ट में मैं बता रहा हूँ, चलिए मैं आंसर बता दूँ, तो LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ये एक मॉनिटर है, डिस्प्ले है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइस में आता है। तो आंसर की यहाँ पे देखिए, जो आप आंसर की पे क्लिक करेंगे पूछेगा कि आपका ये वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ये आपका वन मार्क्स का है, वन मार्क्स दे दीजिए। फिर ये यहाँ पे आउटपुट दिया, इस पर आप केवल सेलेक्ट कर लेना है, देखिए आउटपुट, और आपको आना है नीचे डन, आपको नीचे देखिए डन, देखिए यहाँ पे सिंपली आपको डन पे क्लिक कर लेना है। देखिए दो काम करना है, आंसर की पे क्लिक करना है, क्वेश्चंस का मार्क्स देना है, पॉइंट्स देना है, देन सही आंसर को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डन पे क्लिक कर लेना है। देखिए मैंने डन पे क्लिक कर लिया, यही सेम काम आपको सब पे करना है। देखिए जैसे एक क्वेश्चंस हो गया, एक क्वेश्चंस हम और ऐड कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे तो प्लस पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चंस आ गया आपके सामने, कंप्यूटर इज एन ऑप्शन नंबर वन, कंप्यूटर इज एन, आउटपुट डिवाइस ऑप्शन नंबर टू, स्टोरेज डिवाइस ऑप्शन नंबर थ्री, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस
मल्टीपल चॉइस, और ये भी रिक्वायर्ड आप कर सकते हैं, यहाँ से रिक्वायर्ड इनेबल कर सकते हैं। नन, देखिए आंसर की पे आप क्लिक करिए, आंसर की पे क्लिक करते ही पूछ रहा है कितने मार्क्स का है, तो यहाँ पे 1 मार्क्स का है, और यहाँ पे जो सही आंसर है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद डन पे क्लिक कर देना है। चलिए डन पे मैंने क्लिक कर दिया। अब इसका एक बार हम लोग देखते हैं प्रीव्यू कि आपका फॉर्म कैसा शो करेगा। देखिए प्रीव्यू का ऑप्शन कहाँ पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर जो बना है आइज़ जैसा आइज़, आपको उस पर क्लिक करके एक बार प्रीव्यू देख लेना है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं प्रीव्यू। देखिए आपका पेपर बन के ये तैयार हो चुका है। देखिए जैसे आपका LCD इज ए टाइप, आप ये ऊपर चला गया, स्टूडेंट्स नेम नीचे आ गया, रोल नंबर यहाँ से आ गया, तो आप फिर से जाइए सेटिंग पे, यहाँ से आप बैक कर लीजिए या फिर यहाँ से आ जाइए अपने फॉर्म पे, और एक बार आप सेटिंग पे जाइए। सेटिंग में आने के बाद प्रेजेंटेशन आपका ठीक है, क्विजेज में आपका ठीक है, सफल आर्डर, जनरल पे आइए, प्रेजेंटेशन, एक बार सफल आर्डर पे क्या क्या करिए आप अनचेक कर लीजिए, यहाँ से सेव कर लीजिए। अब आप प्रीव्यू क्लिक करिए, प्रीव्यू पे सही आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यदि सही आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप सफल आर्डर को अनचेक कर लेना है और फिर से आपको सेव कर लेना है। देखिए आ गया है। अब इस पेपर को कैसे सेंड करना है, आइए अब हम लोग सेंड करते हैं। यहाँ से इसको कट कर लीजिए, जो आपका मेन फॉर्म है उसको आप ओपन करिए। अब देखिए ऊपर शो कर रहा है सेंड का ऑप्शन, मैं दिखा दूँ आपको, देखिए, और इसके बगल में यहाँ पे आप एक चीज़ मैं और आपको दिखा दूँ, देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ये इम्पोर्ट क्वेश्चंस का ऑप्शन है, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन है, इम्पोर्ट इमेजेस है, इम्पोर्ट वीडियो है, और यहाँ पे आपका सेक्शन है, मतलब यहाँ पे टाइटल डिस्क्रिप्शन भी आप दे सकते हैं, इमेज को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, हो सकता है कि आपके पास कोई इमेज में क्वेश्चंस हो आप टाइप करना ना चाहते हो, तो उसको आप उस इमेज को आप इंसर्ट करके भी आप 4 ऑप्शन बना के आप क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं और यहाँ पे सेक्शन भी ऐड कर सकते हैं, और ऊपर सबसे अलग अलग क्वेश्चंस भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको कभी करके दिखाया है। तो आई थिंक सारा नाम आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं आगे। अब इस पेपर को हम सेंड करते हैं। देखिए यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं, और सेंड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा मैसेज में व्हाट्सएप है, आपको सेंड करना है व्हाट्सएप में, तो आपको इसको करना है सेलेक्ट, बीच वाला सेलेक्ट करना है। चलिए हम लोग इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए आपके सामने इतना बड़ा लिंक ओपन होके आ गया है, हम चाहते हैं इस लिंक को छोटा करना, तो लिंक को छोटा करने के लिए आपको शॉर्टन URL पे क्लिक कर लेना है, तो आपका जो लिंक है वो छोटा हो जाएगा। देखिए आपका लिंक अब छोटा हो चुका है। इसके बाद कॉपी पे क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे कॉपी नाम का ऑप्शन है, चलिए कॉपी पे क्लिक कर लेते हैं। कॉपी पे क्लिक करने के बाद अब इस फॉर्म को जिस क्लास में या फिर जिसके पास सेंड करना है वहाँ जाके पेस्ट करके आप उसको सेंड कर सकते हैं। आइए चलते हैं व्हाट्सएप पे। देखिए व्हाट्सएप में आते हैं, व्हाट्सएप में आने के बाद मैं इसको अपने ही नंबर में सेंड करता हूँ। देखिए यहाँ से इसको मैंने पेस्ट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको सेंड कर दिया। अब बच्चे के पास ये लिंक पहुँच जाएगा, डालिम सनबीम स्कूल चौबेपुर करके, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जो भी आप टाइप किए रहेंगे, तो बच्चा क्या करेगा अब इस लिंक पे, जो यहाँ पे लिंक शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे जो ये लिंक शो कर रहा है, बच्चा इस पर क्लिक करेगा। देखिए क्लिक करते ही क्रोम पे सेलेक्ट कर लेना है कि मैंने इसको सेंड किया था, एक बार और ओपन होगा ये जस्ट वंस। देखिए आपके सामने आ गया है। देखिए अब इसको क्या करेगा बच्चा, इसको फिल करेगा, जैसे हम आपको फिल करके हम दिखाते हैं, विधु मिश्रा, फादर नेम ज्ञान मिश्रा, रोल नंबर
फोर। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, LCD इज़ अ टाइप ऑफ, यहाँ से आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर इज़ एन। एक क्वेश्चन हम सही कर दे रहे हैं, एक क्वेश्चन गलत कर दे रहे हैं आपको समझाने के लिए। तो यहाँ से हम कर दे रहे हैं स्टोरेज डिवाइस, और यहाँ नीचे लिखा है सबमिट। देखिए यहाँ पे सबमिट, सबमिट पे बच्चा क्या करेगा, क्लिक कर देगा। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने अब वो आंसर आप कहाँ पे देख पाएंगे, आइए चलते हैं। देखिए आपने यहीं, आप यहीं पे आए थे, अब आ जाएंगे आप अपने फॉर्म पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस के बगल में एक रिस्पॉन्सेस नाम का ऑप्शन है, मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ यदि एक बच्चा रिप्लाई करेगा, जितने बच्चे रिप्लाई करेंगे यहाँ पे 1 2 3 करके शो कर जाएगा। अभी सिर्फ इस फॉर्म को मैंने ही सबमिट किया है, मैंने ही सॉल्व किया है, तो देखिए यहाँ पे 1 आ गया है। जितने बच्चे करेंगे वहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब कुछ शो कर जाएगा। तो आपको आंसर देखना है तो आपको रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करना है, कर लेना है। देखिए रिस्पॉन्सेस पे क्लिक करते ही देखिए आपके सामने पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर इज़ एन रिस्पॉन्सेस विधु मिश्रा, सबका नाम यहाँ पे आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे LCD जो टाइप, अब ये 1 out of 1 ये करेक्ट बता रहा है, यहाँ पे 0 बता रहा है। पहला वाला मैं सही किया था, दूसरा वाला मैं रॉन्ग किया था, गलत किया था। देखिए यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है आपका एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस करके। देखिए यहाँ पे यदि आप इसको इनेबल करते हैं तो बच्चा तभी तक अपना पेपर सबमिट कर सकता है, सेव कर सकता है, आपके सेंड कर सकता है। यदि आप इसको डिसेबल कर देते हैं तो कोई बच्चा पेपर ना ही ओपन कर पाएगा, ना ही उसको सॉल्व कर पाएगा, ना ही उसको सबमिट कर पाएगा। तो ये टाइम ख़त्म होते ही आपको इसको ऑफ कर लेना है। इसको हम फिलहाल हम ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ से आप रिस्पॉन्सेस ऑप्शन से आप यहाँ बच्चे का पूरा डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर सिर्फ एक ही बच्चा है तो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल दिखा रहा है। यहाँ पे 2 or more होंगे स्टूडेंट्स, सबका नाम यहाँ पे शो कर जाएगा लाइन बाय लाइन। जिसके नाम को आपको डिटेल देखना है, कितना मार्क्स पाया है, क्या हुआ है, उसके नाम पे आपको क्लिक करना है और इजीली आप देख सकते हैं। आई होप कि आपको पूरा पूरा ये प्रोसेस समझ में आया होगा। कहीं भी आपको कोई भी डाउट होता है तो डेफिनेटली आप हमसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, या फिर डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।